Hello everyone, this is your Preeti ma'am and today we are going to discuss the exercise questions of chapter 12 rocks and soil from class 3. So if you have missed the explanation of this chapter, links are given in the description box below. Also if you are new to my channel, do consider subscribing it right now and press the bell icon for latest updates. Also you can follow me on Instagram and on my Facebook page where I upload the answers for quick assignment and hot questions given in your textbook. All the important links are given in the description box below. So now, without further ado, let's start with today's class. Now, section A, that is choose the correct answer. In that question number 1 mein pucha hai, the earth is covered with. Jo earth hai hamara, wo kis cheez se covered hai, dhaka hua hai. So option A, that is rocks and soil, is the correct answer. Question number 2, which of the following is not contained in soil? इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि soil में present नहीं होती, जिसमें जो कि soil में नहीं होती? So answer is soap. Option C is the correct answer. Question number 3, name the kind of soil with a lot of space between particle is. इन फोर टाइप्स ऑफ सॉइल में से कौन सा ऐसा टाइप है सॉइल का जिसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होता है? तो हमें क्या पता है कि सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत सारा स्पेस प्रेजेंट होता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4 इज सॉइल इज होम टू. जो सॉइल है, जो मिट्टी है, वो बहुत से डैश का घर है. मीन्स क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको सॉइल जो है वो होम प्रोवाइड करती है. सो द आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, मतलब एंट्स, देन सेंटीपेड्स, देन अर्थ वर्म्स, इन सब का घर है सॉइल. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 5, द बेस्ट सॉइल टू ग्रो प्लांट्स इज. इनमें से कौन सा टाइप या काइंड कह लीजिए सॉइल का ऐसा है जो कि बेस्ट प्रूव हुआ है प्लांट्स के ग्रोथ के लिए? सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, लोमी सॉइल. लोमी सॉइल इज कंसिडर्ड एज बेस्ट सॉइल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. क्लियर. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर बी, दैट इज सेक्शन नंबर बी, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसमें पहले मैंने सारे क्वेश्चंस को जॉट डाउन कर लिया है, उसके बाद आंसर्स के हेडिंग के नीचे सारे आंसर्स हैं. हम इनको एक वन बाय वन लेट्स रीड आउट. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर रॉक्स यूजफुल टू अस. जो रॉक्स है, जो पत्थर हैं, वो कैसे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं? लेट्स सी. आंसर विल बी रॉक्स लाइक मार्बल एंड ग्रेनाइट आर यूज टू मेक बिल्डिंग्स. तो रॉक्स जैसे कि मार्बल्स या ग्रेनाइट का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वो हमारे बिल्डिंग मेकिंग में यूज होते हैं. साथ ही में अगर जो प्रेशियस रॉक्स है जैसे कि डायमंड हो गया, रूबी हो गए, ये सब जो रॉक्स होते हैं इनको हम एज अ ज्वेलरी मेकिंग में हम यूज़ करते हैं. मीन्स इनसे हम ज्वेलरीज बनाते हैं, गहने बनाते हैं. सो ये हो गए कैसे डिफरेंट रॉक्स डिफरेंट डिफरेंट यूज़ में आते हैं. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज सॉइल मेड ऑफ. सॉइल किन चीज़ों से बनी होती है? सो सॉइल इज मेड ऑफ सैंड, क्ले, ह्यूमस, पेबल, एयर, वाटर एंड जर्म्स. तो सॉइल में क्या क्या प्रेजेंट है? सैंड प्रेजेंट है, क्ले प्रेजेंट है, ह्यूमस प्रेजेंट है. ह्यूमस कौन सी चीज़ें होती हैं? जो डेड एंड डिकेड रिमेनिंग्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, जो सड़ जाते हैं, जो जब मर जाता है कोई प्लांट या फिर एनिमल, तो उसके जो सड़ी हुई चीज़, सड़ा हुआ पार्ट समय के साथ जो है वो सॉइल में मिक्सअप हो जाता है. तो दैट इज़ व्हेन ह्यूमस इज फॉर्म. तो सॉइल में सैंड क्ले के साथ साथ ह्यूमस प्रेजेंट है, साथ ही में पेबल्स छोटे छोटे जो पत्थर हैं वो प्रेजेंट है, एयर वाटर एंड जर्म्स प्रेजेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, राइट 3 यूजेस ऑफ सॉइल. तो अभी हमने रॉक्स के यूजफुलनेस पढ़े थे, अभी हमें बताने हैं कि सॉइल के 3 यूजेस का हमें जिक्र करना है. सो व्हाट आर दोस? प्लांट्स टेक इन वाटर फ्रॉम द सॉइल फॉर ग्रोथ. सॉइल से प्लांट्स जो है वाटर एब्जॉर्ब करते हैं जो कि उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट यूज़ है सॉइल का कि वी गेट मेनी यूजफुल मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. हमें बहुत सारे यूजफुल मिनरल्स मिलते हैं सॉइल से. और सॉइल जो है इज़ होम टू मेनी एनिमल्स. सॉइल जो है वो बहुत से एनिमल्स का घर है. ठीक है. सो दीज आर द 3 यूजेज ऑफ सॉइल.
Now question number 4 is asked about why is loamy soil good for plants. तो हमें क्या पता है कि जो loamy soil है उसको consider किया जाता है as the best soil for the growth of plants. तो हमसे उसका reason पूछा है. Why is this so? This is because it can hold enough of air and water. वो बहुत required amount में जितना चाहिए उतना enough मात्रा में air and water को hold करने की capability रखता है. So that is why loamy soil is good for plants because it can hold enough air and water. Clear? Next question number 5 of this section is why is clay soil used to make toys and lamps? हमें पता है जो clay soil होता है वो toys, lamps, pots means मिट्टी के जो चीज़ें होती हैं जो normally हम use करते हैं that is actually made up of clay soil. ठीक है, so हम clay soil को क्यों use करते हैं toys या lamps बनाने में? The answer will be clay soil can hold a lot of water. Clay soil जो होता है वो बहुत सारा पानी store करने की means hold करने की capability रखता है and its particles are very fine. और उसके जो particles होते हैं बहुत minute होते हैं, छोटे छोटे evenly divided and finely divided होते हैं. ठीक है, hence clay soil is best to make toys and lamps. इसीलिए clay soil को हम different kinds of toys या pots या lamps बनाने में use करते हैं क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो फाइन होते हैं एंड इनके पार्टिकल्स के बीच में बहुत सारा वाटर होल्ड करने की कैपेबिलिटी होती है. सो दिस रीजन मेक्स इट यूजफुल टू मेक टॉयज एंड लैम्प्स. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन सी दैट इज मेंशन वन यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. आपको इन सब का एक एक यूज मेंशन करना है. ठीक है, पहले हम बात करेंगे मिनरल्स के बारे में. मिनरल्स का एक यूज क्या है? मिनरल्स लाइक ग्रेफाइट इज यूज्ड इन पेंसिल. तो हमने किसी एक मिनरल का एग्जांपल ले लिया और देन उस मिनरल को हम कहाँ पे यूज करते हैं हमने वो लिख दिया. ठीक है, सो तो क्या है कि मिनरल्स लाइक ग्रेफाइट इज यूज्ड इन पेंसिल्स. तो मिनरल जैसे कि ग्रेफाइट हो गया उसको हम पेंसिल्स में यूज करते हैं. तो ये एक मिनरल का एग्जांपल के साथ साथ उसका एक यूज भी हो गया. ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट रॉक्स. रॉक्स जैसे कि डायमंड एंड रूबी आर यूज्ड इन ज्वेलरी. हमने इससे पहले ग्रेनाइट भी पढ़ा था, मार्बल पढ़ा था जो कि बिल्डिंग मेकिंग में यूज़ होता है. हम चाहे तो यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं. यहाँ पे मैंने डायमंड और रूबी का एग्जांपल लेके वो यूज़ मेंशन किया है. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इज सॉइल. सॉइल के बारे में भी हमने 3 यूजेस पढ़े थे, उनमें से एक मैंने यहाँ पे मेंशन किया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 1 यूज़ पूछा है. सो सॉइल इज होम टू मैनी एनिमल्स. ठीक है, नेक्स्ट फाइनली जो दिया गया है हमें वो है ह्यूमस. ह्यूमस का हमें एक यूज बताना है. तो ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल फॉर प्लांट्स टू ग्रो. ह्यूमस क्या करता है? ह्यूमस सॉइल को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाता है, फर्टाइल बनाता है जिससे कि प्लांट्स वहाँ पे अच्छे तरीके से ग्रो कर सके. मीन्स प्लांट के ग्रोथ में वो हेल्प करता है. सो दिस इज वन यूज ऑफ ह्यूमस. अंडरस्टूड? So students, that's all for today's video. This video not only marks the ending of this chapter, but it's also the last chapter from this textbook. Do like it if you find this video useful and informative, and yes, share it to more and more people so that they can also get informations and help from these videos. And yes, thank you for being such a support. Keep supporting. Thank you.